स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। आंसर डी केरल। एक्सप्लेनेशन, ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। यह एक वार्षिक फसल उत्सव है और केरल का आधिकारिक त्योहार भी है। ओणम को मलयालम में थिरुवोणम कहते हैं। यह त्योहार दक्षिण भारत में ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम राजा महाबली और वामन की याद करने के लिए 2024 में 5 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। ओणम के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। नाश्ते में केला और पापड़ खाए जाते हैं। ओणम के दिन लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। अगला प्रश्न। सितंबर 2024 में ब्रसल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? ए जेकब वादलेजिच, बी एंडरसन पीटर्स, सी नीरज चोपड़ा, डी जूलियन वेबर। आंसर सी नीरज चोपड़ा। एक्सप्लेनेशन, 14 सितंबर 2024 को ब्रसल्स में डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 87.86 दूर जेवलिन फेंककर अपना बेस्ट प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नीरज महज 1 सेंटीमीटर के अंतर से ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सके और दूसरे स्थान पर काबिज हुए। वहीं ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने अपने पहले ही प्रयास में 87.87 मीटर का थ्रो करके खिताब अपने नाम कर लिया। बता दें कि 2022 में नीरज डायमंड लीग की ट्रॉफी को अपने नाम कर चुके हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में 5 नए पोस्को को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? ए पश्चिम बंगाल, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। आंसर ए पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन, आरजीकर अस्पताल में महिला चिकित्सक से दरिंदगी की घटना को लेकर मचे घमासान के बीच बंगाल सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत राज्य में 5 और नए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस कानून में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे मौत की सजा हो सकती है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी हरियाणा, डी असम। आंसर सी हरियाणा। एक्सप्लेनेशन, अरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में लंबे आकार का कछुआ देखा गया, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का कछुआ है। लंबा कछुआ मध्यम आकार का होता है, जिसका खोल पीले भूरे या जैतून के रंग का होता है तथा प्रत्येक ढाल के मध्य में स्पष्ट काले धब्बे होते हैं। इन कछुओं को वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया था और मानदंड A2CD के तहत उन्हें गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आंसर डी गुजरात। एक्सप्लेनेशन, भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर को भुज से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन भुज रेलवे स्टेशन से 4:15 बजे किया गया, जबकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मौजूद थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 10 नवंबर, सी 16 सितंबर, डी 23 जनवरी। आंसर सी 16 सितंबर। एक्सप्लेनेशन, 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जो 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संकल्प 49/114 पर हस्ताक्षर की तिथि की याद में मनाया जाता है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। कई रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न। सरकार ने SSC को उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति क्यों दी है? ए परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए, बी तेजी से परिणाम घोषणा सुनिश्चित करने के लिए, सी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाना, डी परीक्षा शुल्क कम करना। आंसर ए परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए।
एक्सप्लेनेशन: कार्मिक मंत्रालय की ओर से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के समय और परीक्षा भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की पहचान के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई है, ताकि अभ्यर्थी अपनी गलत पहचान न बताएं या SSC और UPSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए धोखाधड़ी न करें। अगला प्रश्न: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? ए. स्मृति ईरानी, बी. आतिशी मालिना, सी. सुनीता केजरीवाल, डी. बांसुरी स्वराज। आंसर: बी. आतिशी मालिना। एक्सप्लेनेशन: आम आदमी पार्टी आपने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का नाम घोषित कर दिया है। पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी और स्वतंत्रता के बाद भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री होंगी। अगला प्रश्न: PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की? ए. हरियाणा, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. ओडिशा। आंसर: डी. ओडिशा। एक्सप्लेनेशन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने 74वें जन्मदिन के मौके पर ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। राज्य भर में करीब 1 करोड़ महिलाओं को सुभद्रा योजना का लाभ होगा। इसके तहत महिलाओं को 2 किस्त में ₹10,000 सालाना दिए जाएंगे। यह आर्थिक मदद 5 साल तक दी जाएगी। अगला प्रश्न: उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? ए. प्रयागराज, बी. वाराणसी, सी. अयोध्या, डी. आगरा। आंसर: सी. अयोध्या। एक्सप्लेनेशन: रामनगरी अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण बनने का गौरव हासिल किया है। इस साल के पहले 6 महीनों में अयोध्या में 11 करोड़ देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचे, जबकि वाराणसी में 4.61 करोड़ पर्यटक आए। हाल ही में राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहले 6 महीनों के दौरान लगभग 33 करोड़ पर्यटकों ने विभिन्न स्थानों का दौरा किया। किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती? ए. मलेशिया, बी. कोरिया, सी. भारत, डी. चीन। आंसर: सी. भारत। एक्सप्लेनेशन: भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 17 सितंबर 2024 को चीन के हुलुनबिर में 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। भारतीय टीम के लिए जुगराज सिंह ने 51वें मिनट में गोल किया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को हराया था। अगला प्रश्न: 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया जा रहा है? ए. 10 से 14 सितंबर, बी. 17 से 20 सितंबर, सी. 5 से 8 सितंबर, डी. 1 से 4 सितंबर। आंसर: बी. 17 से 20 सितंबर। एक्सप्लेनेशन: 8वां भारत जल सप्ताह 17 से 20 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय 8वें भारत जल सप्ताह और प्रदर्शनी में भागीदार के रूप में शामिल हो रहा है। इसका विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। अगला प्रश्न: क्रिकेटर दुनित वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, वह किस टीम के खिलाड़ी है? ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. वेस्ट इंडीज, सी. बांग्लादेश, डी. श्रीलंका। आंसर: डी. श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन: श्रीलंका के खिलाड़ी दुनित वेलालेज और हर्षिता समारा विक्रमा को अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया। एक ही महीने में एक ही देश के खिलाड़ियों द्वारा अवार्ड जीतने का एकमात्र पिछला उदाहरण तब सामने आया था, जब इस साल जून में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया था। अगला प्रश्न: एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? ए. राजकिशोर सिंह, बी. रामनाथ कोविंद, सी. अनुराग ठाकुर, डी. प्रतिभा पाटिल। आंसर: बी. रामनाथ कोविंद। एक्सप्लेनेशन: PM मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न: किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? ए. निर्मला सीतारमण, बी. एस. जयशंकर, सी. राजनाथ सिंह, डी. नरेंद्र मोदी। आंसर: ए. निर्मला सीतारमण। एक्सप्लेनेशन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया,
जो बच्चों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए अमल में लाई गई है। एनपीएस वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए पेंशन खाते में निवेश करके बचत कर सकेंगे, जिससे लंबी अवधि में उनके लिए बड़ा कॉर्पस तैयार किया जा सके। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी चंडीगढ़, डी मुंबई। आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन 19 से 22 सितंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने साल 2017 में विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस आयोजन में 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 18 केंद्रीय मंत्रालय भाग लेंगे। जापान भागीदार देश होगा और वियतनाम और ईरान मुख्य देश के रूप में भाग लेंगे। अगला प्रश्न, शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए सूर्य कुमार यादव, बी नीरज चोपड़ा, सी नवदीप सिंह, डी मनु भाकर। आंसर डी मनु भाकर। एक्सप्लेनेशन, पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनकी नियुक्ति की घोषणा की। अगला प्रश्न, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा घोषित किया गया? ए ब्राजील, बी जॉर्डन, सी भारत, डी चीन। आंसर बी जॉर्डन। एक्सप्लेनेशन, 19 सितंबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया। WHO ने कहा कि जॉर्डन ने 2 दशकों से अधिक समय से कुष्ठ रोग के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जो अनुपचारित रोगियों के साथ नजदीकी और लगातार संपर्क के दौरान नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैल सकता है। इसे हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है और यह मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की म्यूकोसल सतहों और आँखों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? ए हरमनप्रीत कौर, बी प्रीति कामत, सी ध्रुवी पटेल, डी श्रेयस सिन्हा। आंसर सी ध्रुवी पटेल। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीत लिया है। ये भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। न्यू जर्सी में ताजपोशी के बाद ध्रुवी ने कहा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? ए सिडनी, बी रोम, सी लंदन, डी ग्लासगो। आंसर डी ग्लासगो। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई शहर विक्टोरिया ने बढ़ती लागतों को जिम्मेदार ठहराते हुए जुलाई 2023 में अचानक 2026 खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया था। ग्लासगो 10 साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी।